वेलकम टू एस पांडा यूट्यूब चैनल। आप सबको सुमंजी सब सुनो जमी के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं इंटीग्रेशन का मजेदार ट्रिक लेकर के आया हूँ और यहाँ पे ये जो तीन क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। ये सभी सवाल आपको दो पेज के अंदर या एक पेज से अधिक में ये बनता है। मात्र ये सवाल मैं आप लोगों को 15 सेकंड में बनाने का तरीका बताऊंगा कि 15 सेकंड में कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मैं इन सभी सवाल को मैं बड़ा मेथड से बताता हूँ कि कैसे बड़ा मेथड से बनता है, उसके बाद मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, ठीक ना, ताकि आपको एहसास हो कि बाप रे बाप कितना बड़ा सवाल है और कितना छोटा में बना। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के भी शेयर करेंगे और जो नए स्टूडेंट है वे एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलो बाबू देख क्या है, सबसे पहले मैं बड़ा मेथड से बताता हूँ, देखो कैसे बनेगा, ध्यान देना बाबू क्या है। इंटीग्रेशन 3x + 5 / 5x + 7। तो अब देखो इसको पहले बड़ा मेथड से बता रहे हैं, लॉन्ग मेथड से उसके बाद ट्रिक बताएंगे। तो अब देखा जाए स्टूडेंट क्या करते हैं, 3x / 5x + 7 को अलग करते हैं, ध्यान दीजिएगा 3x / 5x + 7 + 5 / 5x + 7 अलग अलग कर दी, ठीक ना। फिर इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा और फिर 3x + 5। अब क्या है बाबू dx, तो देखो dx दे दी, अब देख यहां से 3 बाहर कर दे, 3 बाहर कर दिए, अब यहां क्या है x / 5x + 7 और dx। अब देख ना बाबू फिर इसको 5 बाहर कर दे, प्लस से प्लस कर दी, अब देखो बाबू 5 है, 5 को बाहर कर दिए, क्या हो जाएगा 1/5x + 7 dx। अब देखो बाबू 3 × x 3x, अब एक चीज बता बाबू यहां पर क्या करते हैं, जो ये नीचे x के साथ गुणा है ना, ध्यान दी वो यहां पर भी कर दिए, 5 गुणा कर दिए, इसके साथ क्या गुणा कर दिए 5, 5 गुणा अपने मन से 5 गुणा कर दिए, यहां पे अपने मन से 5 को भाग दे, ठीक है अपने मन से 5 को भाग दे, क्योंकि ये 5 और ये 5 फिर कट ही जाएगा तो फिर तो मेरा वही बचेगा ना, फिर तो मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मन से ये जो 7 है उस 7 को जोड़ते हैं और फिर अपने मन से 7 को घटा देते हैं, क्योंकि अपने मन से 7 को जोड़े हैं, अपने मन से 7 को घटाएंगे तभी ये और ये कट जाएगा, फिर 5x बचेगा, फिर ये 5 और 5 कट जाएगा तो फिर वही 3x और 5x बचेगा। समझ में आ रही है। अब देखा जाए 3/5, अब देखिएगा ये जो टर्म है 5x + 7 एक टर्म मान लीजिए, अब ये देखिए अलग अलग कर दीजिए 5x + 7 / 5x + 7, ठीक है। अब देखिए -7 है, अब देखिए -7, अब देखिए बाबू क्या हो जाएगा 5x + 7, अब देखो बाबू dx, देखो 5x + 7 / 5x + 7 -7 / 5x + 7 dx, अब प्लस क्या है देखो 5 × 5 है, इंटीग्रेशन 1/5x + 7 dx। अब देखो ये 5x + 7 / 5x + 7 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास तो बच जाएगा 3/5, दिखाई दे रही ना। अब देखो यहाँ पर कुछ तो 1 बच गया और माइनस क्या हो गया 7/5x + 7 बच गया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है dx, देख बाबू +5, अब देखो 1/5x + 7 dx। अब देख बाबू 3/5 देखिए दिखाई दे रही है 3/5, अब देखिए 1 × dx क्या हो गया dx, 1 × dx dx कर दिए, अब ये 3 × 7 माइनस क्या हो गया 21, अब देखिए भाई क्या है 5। अब इसको भी देखिए इंटीग्रेशन, तो देखिए 7 × 3 सब क्या है गाइस, अब बटे 5 करके बाद यहां तक क्या बच गया 1/5x + 7 dx, देखिए प्लस यहाँ क्या है 5 × 1/5x + 7 dx हो गया। अब देख पाओ ध्यान देना, अब देखो जरा सा इधर हम बना देते हैं, ध्यान देना इधर बता देते हैं, ठीक ना। अब एक स्टेप यहाँ चल जाते हैं, देखो दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, देखिएगा अब देखिएगा 3/5, अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन x, अब -21/5, अब देखिएगा 1/5x + 7,
अब देखिए 1 by x का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू क्या होता है, log mod x होता है, log mod x plus 7, ये 1 by 5x plus 7 है, इसका इंटीग्रेशन होगा log mod 5x plus 7। अब इंटीग्रेशन का ये नियम है, x के साथ जो गुणा रहेगा वो भाग लगेगा, x के साथ क्या गुणा है 5, तो बटे क्या कर दी बाबू 5, यानी गुणा में क्या जाएगा 5, तो अब देखो ये 5 गुणा 5 नीचे 5 5 25, तो डायरेक्ट कर देते हैं 25, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं 25, समझ तो गए अपने। अब देखो बाबू ध्यान देना यहाँ पे क्या है प्लस 5, अब देखो 1 बटे 5x प्लस 7, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड 5x प्लस 7। अब देखो x के साथ जो गुणा रहेगा वो भाग लगेगा, भाग के लगेगा 5, अब प्लस क्या हो गया 7, अब देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो 3 इंटू एक्स, तो 3x, 3 इंटू एक्स 3x बटे क्या हो गया 5, देखना ये कितना लंबा बना, कितना शॉर्ट ट्रिप बनाएगा, माइनस 21 बटे 25, माइनस 21 बटे 25, अब क्या है लॉग क्या है 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 देखिए दिखाई दे रही है, अब देखिए आप फिर क्या है प्लस, देखिएगा यहां दिखाना चाहिए प्लस लॉग लॉग उसका क्या है 5x प्लस 7 दिखाई दे रही है, अब देखिए 5x प्लस 7 प्लस 7, देख बाबू देखिए आप देख बाबू ये log 5x plus 7, ये भी log 5x, इसका मतलब ये और ये एक जाता है, तो अब देखो बाबू 3x by 5, अब देखो बाबू minus, अब देखो 25 से कम 25 हुआ क्या, 25 से कम 25, तो यहाँ देखो 25 से कम 25, इसलिए देखो बाबू 21 बटे 25 रहे थोड़ी देर के लिए, माइनस 21 बटे 25 अब प्लस 1 रहे थोड़ी देर के लिए, नहीं कुछ तो 1, तो देखो बाबू 25 और 21 से कितना हो जाएगा 25 होगा कि नहीं, और ये माइनस 21 25 होगा 25 25 से होगा सॉरी 25 होगा 25 1 होगा 1 गुना माइनस 21 तो माइनस 21, अब 25 से कम क्या हो जाएगा 25, तो देखो 25 में से 21 घटेगा क्या बचेगा यानी 4 बटे 25 हो जाएगा क्या, उसी तरह देखो 25 गुना लॉग एक्स 25 लॉग एक्स 25 लॉग एक्स से 21 घट जाएगा क्या बचेगा प्लस 4, अब बटे तो 25 से ये जाएगा 4 बटे 25 लॉग 5x प्लस 7 5x प्लस 7 आंसर, अर्थात इस दोनों को जब लघुत्तम लिए उसका सॉल्व किया इतना हो गया उसको, अब देखो कि ये आंसर हुआ, यानी इस सवाल ध्यान रखना ये जो सवाल था ध्यान दीजिए इस सवाल का आंसर क्या हुआ, ये हो गया दिखाई दे रही है सवाल, और ये देखिए ये सवाल का आंसर क्या हो गया, ये हो गया, थोड़ा सा तो समय लगा ना, अब देखिए इसको दो लाइन में कैसे बनाएंगे, देखिएगा सवाल क्या है इसको बढ़िया दिखाई दे रही है, देखिएगा अब देखो इसको दो लाइन में बनाएंगे कैसे, देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक देखो बाबू 10 से 15 सेकंड बनाएंगे ध्यान, क्योंकि सवाल क्या है बाबू, सवाल क्या है 3x प्लस 5 बटे 5x प्लस 7, बहुत ही अजूबा ट्रिक है, देखिए बाबू क्या करते हैं, ये जो 3x है पहले 3x लिख दो, अब नीचे वाला जो 5x है x को नहीं करके केवल 5 लिख देना, ठीक, अब उसका यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस, उसका देखो इसको गुणा करो 7, इसको गुणा करो गुणा करो 7 21, अब देखो बीच में माइनस का चिन्ह होता है, फिर इसको इसको 25, अब पटे भी फिर क्या होता है ये नीचे वाला जो रहता है x के साथ गुणा उसका होल स्क्वायर होता है, तो x के साथ क्या गुणा है 5, इसका होल स्क्वायर कर दो, फिर क्या होता है ये जो नीचे वाला है उसका केवल log 5x plus 7 कर दो plus, अब देखो 3x by 5 minus 21 में से 25 घटेगा क्या बचेगा minus 4, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, log क्या हो गया 5x plus 7 plus, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो आगे आंसर 3x / 5 plus 4 / 25 देखो है ना log 5x plus 7 plus, बताओ दो लाइन भी लगा कितना ये जिससे बन गया, अब देखो दूसरा सवाल बता रहा है क्या समझ में आई, मजेदार है देखो अगला, ये देखो दूसरा नंबर का बता रहे हैं, कितना शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं आपको, चलिए देखिए उसी तरह से, अब देखिए आगे दूसरा नंबर का सवाल फिर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा, देखिए दूसरा नंबर का क्या है 3x minus 6 by क्या है 3x plus 4, देख बाबू कैसे बनाएंगे इसको dx है, अब देख बाबू क्या करना है ये 3x है सबसे पहले तो 3x रख दिया, अब बटे क्या है 3x, तो x का गुणा करेंगे केवल 3, अब देखो यहाँ पे क्या होता है माइनस, अब ये कोना कोना कितना होता है 4 3 12, अब देखो बीच में माइनस होगा, अब देखो ये 6 गुना माइनस 3 यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 6 3 18, अब बटे क्या होता है फिर x के साथ जो गुणा होता है उसका स्क्वायर करता है नीचे वाले के साथ x का क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो
फिर क्या हो जाएगा लॉग, नीचे क्या है 3x+4, 3x+4 का तो प्लस सी हो गया, अधूरी है 3 फिर कैंसिल हो गया, x माइनस 18 का 12 तो कितना हो गया 30, अब देखो 3 3 9, अब देखो लॉग 3x+4 प्लस सी, अब देखो 3 3 9 3 9 30 यानी x माइनस 10/3 लॉग 3x+4 प्लस सी आंसर। देखो कितना शॉर्ट है। अब एक तीसरा क्वेश्चन में बता रहा हूं, अब बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में है इस समय। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 12-3x/4x+7। अब देखो और सब सवाल में क्या था, x आगे रखा था x का गुण, लेकिन इसमें क्या उल्टा करनी है, तो कोई बात नहीं, करने की बात नहीं, साथ हम है, तो माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले ले बच्चा, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 3x-12 बटे क्या हो जाएगा 4x+7। तो देखो बाबू वही रूप में आ गया, 3x+6 3x+4 तो देखो उसी रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, ऊपर वाला जो टर्म होता है वो 3x, ये बाबू 3x लिख दिए, अब नीचे वाला क्या यहां पे 4x के बाद क्या है 4 कर दिए, फिर क्या होता है माइनस होता है बाबू, और आगे देखो ये माइनस है, इस माइनस को रखना आगे, ठीक है। अब देखो बाबू उसके बाद क्या होता है, उसके कोना कोनी बना करो 7 3 21, फिर बीच में माइनस होता है, देखो बार चौके 48, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, प्लस क्या गया 48। अब पटे क्या होता है, नीचे वाला जो एक्स होता है उसका स्क्वायर होता है, 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होता है लॉग, लॉग कर दिए बच्चा, फिर क्या होता है नीचे वाला 4x+7, तो 4x+7 कर दिए, अब प्लस क्या हो गया 6। अब देखो बाबू 3x/4 माइनस, अब देखो 8 1 9 4 2 6 4 4 16, फिर क्या हो गया लॉग 4x+7 प्लस सी आंसर। बताओ दो लाइन में बना कि नहीं बताओ। अब इस तरह से मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सवाल दे देता हूं, तो स्टूडेंट इस सब बना करके मुझे बताएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करेंगे वीडियो को, लाइक करेंगे।